जितन धूप लगे आवे तने छाव बन जाव तेरी खुशियों के खातिर में सारे जग से लड़ जाव मेरी यही आरज़ू। तो दोस्तों ऋतु रिपा का गाना इतना ज्यादा वायरल हो गया कि हर एक इंसान उनका ये गाना गुनगुनाने लगे हैं और साथ ही हर कोई उनका फैंस बन गए हैं, उनके ही चर्चे करने लगे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जाने माने रियलिटी शो इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट ऋतु रिपा की। बता दे, ऋतु रिपा इंडियन आइडल के शो में ऑडिशन देने पहुंचे थे और उन्होंने 5 मिनट में एक गाना बना के सबको सुना दिया और वो गाना सबको इतना पसंद आया कि हर किसी के दिलों पर राज करने लगे ऋतु रिपा। पर दुख इस बात का हुआ क्योंकि ऋतु रिपा ने खुद की कंपोज किया हुआ गाना और खुद की इतनी अच्छी आवाज होने के बावजूद भी उन्हें इंडियन आइडल शो से रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर इतना बवाल खड़ा हो गया और साथ ही ऋतु रिपा का इतना ज्यादा नाम हो गया। तो दोस्तों आपके लिए एक खुशी की बात होगी क्योंकि जब से ऋतु रिपा को शो से बाहर कर दिया गया तब से उन्हें बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के तरफ से उन्हें ऑफर आने लगे हैं। और इसी बीच ऋतु रिपा अपने घर जो है अरुणाचल प्रदेश से मुंबई के लिए निकल चुके हैं, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला। जी ऋतु रिपा के पास अब इतने बड़े बड़े ऑफर आने लगे हैं और इतने बड़े बड़े काम आने लगे हैं कि अब उन्हें इंडियन आइडल शो की जरूरत नहीं है। और हो ना हो ऋतु रिपा ने ये साबित कर दिया कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा जीत की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों का प्यार और खुद का टैलेंट होना चाहिए, तब रास्ते अपने आप खुल जाता है। और आपको ये तो पता ही है जैसा अरिजीत सिंह के साथ हुआ, वो एक सिंगिंग रियलिटी शो में सिलेक्ट नहीं हो पाया और ऐसा जुबिन नौटियाल के साथ भी हुआ, उन्हें एक सिंगिंग रियलिटी शो में जगह नहीं दिया गया। पर आज इन्हें कौन नहीं जानते हैं, इतने बड़े सिंगर बन गए हैं कि इंडिया के नंबर वन टॉप सिंगर की लिस्ट में इनका नाम आता है। ऐसी कई सारे सिंगर है जो किसी शो में विनर नहीं बन पाए लेकिन वो आज बड़े सिंगर बन गए हैं। तो बता दे ऋतु रिपा का नाम भी ऐसे सिंगरों में से होने वाला है क्योंकि ऐसा टैलेंट आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगी। तो बता दे कि उनका पहला सॉन्ग हमें बहुत ही जल्द देखने और सुनने के लिए मिल जाएगी। ऋतु रिपा इसी सॉन्ग को गाने के लिए मुंबई चले गए हैं और उनका पहला सॉन्ग का नाम होने वाला है हीर रांझा। और ऐसे सूत्रों से पता चला कि उनका यह सॉन्ग हमें देसी म्यूजिक फैक्ट्री की यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों आप कितना एक्साइटेड है ऋतु रिपा की हीर रांझा सॉन्ग को देखने और सुनने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऋतु रिपा की और भी अपडेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।